Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is how the state government work. This is the second part of this chapter. In the first part we have discussed about how the state government forms and who is an MLA, what is constituency और कैसे ये सब मिलके government को run करते हैं, ये सब हमने उस वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एमएलए क्या होते हैं और वो कैसे रन करते हैं गवर्नमेंट को. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग बैठ के कैसे डिस्कशंस करते हैं, कैसे लॉ बनता है वो हम पढ़ेंगे और द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे स्टेट भी लिख देते हैं क्योंकि हमें स्टेट से रिलेटेड है. द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर. नाउ वील स्टार्ट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. जनरली द लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो कैपिटल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की कैपिटल होती है ज़्यादातर वहीं होती है, जैसे हमारी यूपी की लखनऊ में. क्लियर. एंड मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली. बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल से लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट करने के लिए कैपिटल स्टेट के लिए निकले. देयर दे गॉट द सिक्योरिटी चेक. उसके सिक्योरिटी चेक के बाद दे वर टेकन टू द गैलरी. फ्रॉम देयर दे कुड ईजिली वॉच द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के बिना वो ऊपर गैलरी में नहीं जाने देते. तो जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद उनको ऊपर ले गए एक गैलरी में. गैलरी से वो पूरा की पूरा जो वर्किंग हो रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इजिली वॉच कर सकते थे. ठीक है, असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करेंट प्रॉब्लम. उस समय असेंबली में जो करेंट प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस की थी पातालपुरम में कि वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड द टेक्निकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ वो सफिशिएंट नंबर में नहीं है, ये सब हमने पहले डिस्कस किया था क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्यों उन्होंने एमएलए को घेरा था, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमएलए, वो सब. तो ये सब एमएलए यहाँ पे क्या करेंगे, दे रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो जो करंट प्रॉब्लम हमने पहले पार्ट में की थी वही अभी हम असेंबली में डिस्कस करेंगे. तो नाउ लुक एट दीज आर द नंबर ऑफ एमएलएस और वो क्या बोल रहे हैं. एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन टू द रिलेटेड मिनिस्टर. अब यहाँ पे काम क्या होता है, जो एमएलएस होते हैं दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू द रिलेटेड मिनिस्टर्स. सपोज दे आर हैविंग द हेल्थ प्रॉब्लम, उनके एपिडेमिक बहुत फैल रहा है, डॉक्टर्स नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन किससे रेज करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से. तो दे कैन क्या है, दे कैन गिव सजेशंस ऑल्सो एंड गिव देयर ओपिनियन एंड आस्क द क्वेश्चन टू द कंसर्निंग मिनिस्टर. सी एम एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन. फिर सी एम और जो उनकी मिनिस्ट्री है पूरी वो डिसीजंस लेंगे एंड मेक लॉज फॉर द स्टेट एंड रन द गवर्नमेंट. डिसीजंस आर बींग टेकन, हैव टू बी अप्रूव बाय ऑल द मेंबर्स. जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए. क्लियर. नाउ डिस्कशंस क्या हो रहा था. एमएलए वन, एक एमएलए ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंड गांव, अखंड गांव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहां से वो जीत के आया था. उसने ये कहा इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया इन लास्ट 3 वीक्स. पिछले 3 हफ्ते में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 लोग मर गए बिकॉज ऑफ डायरिया. और डायरिया किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से, कि अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ये सब बीमारियां हो जाती हैं. एंड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल इट. एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट एक्शन. वहाँ पे तुरंत तुरंत एक्शन लीजिए टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, बिकॉज 3 हफ्ते में 15 लोग मर गए. तो उसके लिए दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मैं वहाँ का MLA हूँ तो मैंने अपना जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो असेंबली में राइज किए. एंड द सेकेंड MLA जो था उसने क्या बोला, Why are government hospitals in such a bad condition? जो government hospitals हैं उनकी condition बड़ी ख़राब है. क्यों ख़राब है,
Why is the government hospitals not appoint? Why is the government not appointing proper doctors and medical staff? तो ये जो government है proper doctors और medical staff को क्यों नहीं appoint करती है? Means lack of doctors. अगर वहाँ patient जाता है तो उसको proper medication नहीं मिल पाता. Doctors ही नहीं है वहाँ पे, medical staff नहीं है. तो this is the responsibility of the ruling government. कि वहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंट करें ताकि लोगों को प्रॉपर इलाज हो. अब जिनका इलाज नहीं हो रहा, टीबी है, तो वो इधर उधर घूमते हैं एंड स्प्रेड द डिजीज़, और उसकी वजह से डिजीज़ फैलती है और एक एपिडेमिक हो जाता है. तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट द डॉक्टर फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. क्लियर? और तीसरा MLA क्या बोल रहा है, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ द एक्यूट वाटर प्रॉब्लम. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वाटर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि पीने का पानी भी नहीं है. ठीक है, वीमेंस ट्रेवल अप टू 3 to 4 kilometers टू गेट द वाटर. जो औरतें हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको 3-4 kilometers दूर तक जाना पड़ता है टू गेट द ड्रिंकिंग वाटर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन टू द रिलेटिव मिनिस्टर्स, हाउ मैनी वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट टू सप्लाई वाटर इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी. कितने वाटर टैंकर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाटर सप्लाई करने के लिए भेजे हैं, जबकि वहाँ पर इतनी एक्यूट प्रॉब्लम है. मैं इस पहले भी आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम है, और कंसर्निंग मिनिस्टर उसका आंसर देता है. तो ये आपने देखे कि जो 3 MLAs हैं ये अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं. इट मीन्स दे आर नॉट फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट. जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके नहीं है, अपोजिशन वाले हैं, लेकिन अपोजिशन और रूलिंग पार्टी इकट्ठे बैठते हैं. नाउ द 4th MLA, माई कलीग्स एक्सेलरेटिंग द प्रॉब्लम. उन्होंने कहा ये जो मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं ये प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि वो शो कर रहे हैं. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज. वाटर टैंकर्स हमने इस एरिया में भेजे हैं एंड ORS पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और ORS पैकेट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. मतलब उसने, ये जो रूलिंग पार्टी का जो MLA था उसने आपको प्रोटेक्ट किया, अपने आप को बताया कि ये जितने भी MLAs बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव सेंड द वाटर टैंकर्स टू द कंसर्निंग एरियाज, वहाँ हमने भेजे हैं, एंड वी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द ORS पैकेट्स ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ दोज एरियाज. ठीक है, नाउ MLA 5, वी हैव पुअर फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल्स. MLA 5 था उसने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हॉस्पिटल जो है बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है. डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ. अगेन वही वाली प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे इनसफिशियंट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नहीं है. एंड डू नॉट हैव अ डॉक्टर मेडिकल स्टाफ एंड द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन लॉन्ग लीव इन अदर हॉस्पिटल्स. और अगर हम दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स लॉन्ग लीव पे गए हुए हैं, तो मेडिकेशन पेशेंट्स को कैसे मिलेगा. तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटी. और कैसे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, टू अपॉइंट द डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ. नाउ MLA 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. अब ये बोल रहे हैं जो 6th नंबर के MLA कि ये अननेसेसरी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं, हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू द सैनिटेशन. बल्कि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसने सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया. सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया तो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला. प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला तो लोग बीमार पड़ने लग गए. आप हमारे ऊपर अननेसेसरी ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज. और अब हम वो जो गार्बेज सालों से पड़ा हुआ था उनको हटवा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी ओपिनियन भी शो करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सजेशंस भी देखते हैं, और एक दूसरे के पास दोषारोपण भी करते हैं. दोषारोपण इसने प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी सारी बात, वो इस गवर्नमेंट के. तो ऐसी उठा पटक लेजिस्लेटिव असेंबली में चलती रहती है, जो यहाँ पे बच्चों ने भी ऑब्जर्व किया. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होता है ये आपको पता चल गया, समझ में आया है, देन सब्सक्राइब द चैनल. क्लियर? नाउ द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है,
द गवर्नमेंट वर्क इज नॉट लिमिटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो गवर्नमेंट का वर्क होता है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही कन्फाइंड नहीं रहता है कि वहाँ पे बैठ के आपने डिस्कशंस किया, लॉ बना लिया एंड एवरीथिंग इज ओके. नहीं, ऐसा नहीं होता है. एंड आफ्टर द डिस्कशन, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि आपका सैनिटेशन अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल कंडीशन अच्छी नहीं है, यू आर नॉट अपॉइंटिंग द डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूज़पेपर्स में और टीवी में भी ब्रॉडकास्ट हो जाती है. तो अपने आप को क्लियर पिक्चर देने के लिए जस्ट आफ्टर द डिस्कशन तो हेल्थ मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाता है, मीन सारे प्रेस वाले जो होते हैं, हर अखबार वाले जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके पास जाते हैं. एंड यहाँ पे द हेल्थ मिनिस्टर्स क्लियर इट्स पिक्चर, अपनी पिक्चर को क्लियर करते हैं व्हाट दे हैव डन फॉर दिस एरिया, कि हमने इन एरियाज के लिए क्या किया. वो कह रहे हैं हमने वाटर टैंकर्स नहीं भेजे, तो ये कहते हैं नहीं, वी हैव सेंड द वाटर टैंकर्स इन दीज एरियाज एंड वी हैव क्लियर द गार्बेज ऑल्सो. मतलब बेस्ट सैनिटेशन मिले उनको, गार्बेज भी क्लियर कर रहे हैं, ओआरएस पैकेट्स भी दे रहे हैं. मींस अपनी पिक्चर क्लियर करने के लिए दिस इज द ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर टू अरेंज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है. एंड उसके बाद जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं, सीएम एंड मिनिस्टर्स विजिट द पातालपुरम. पातालपुरम की प्रॉब्लम थी एक्यूट वाटर प्रॉब्लम और हॉस्पिटल की, तो ये जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उस एरिया को विजिट करते हैं, ठीक है. जैसे अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो भी आपने देखा होगा मिनिस्टर्स वहाँ विजिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं कि जो लोग अफेक्टेड एरियाज में उनको प्रॉपर खाना और मेडिसिंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होता है, उस एरिया को विजिट करता है एंड विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स. और जिनके फैमिली मेम्बर्स मर जाते हैं या हाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके उनसे मिलते हैं और उनको कंपनसेशन दिया जाता है, उनको कंपनसेशन दिया जाता है उनके लिए. एंड फॉर्म अ हायर लेवल इंक्वायरी कमेटी, और एक हायर लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके सॉल्यूशन क्या है, एक कमेटी बिठाई जाती है. एंड समटाइम्स गवर्नमेंट टेक्स द हेल्प ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, और कई बार जो गवर्नमेंट है इससे कंसर्निंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प लेती है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो बनाया है उसकी हेल्प ली जाती है. वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की आपका प्रॉपर प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैनिटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, उनकी भी हेल्प ली जाती है. एंड आफ्टर दैट अगर पोजीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, देन दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक लॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है. एंड लॉज के लिए वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका मेजॉरिटी वोट उनको मिलना चाहिए, देन ओनली लॉ बनता है. समझ में आया बेटा? तो इस तरह आपका हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. तो एक बार समअप कर लेते हैं, द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे डिबेट होती है, सबसे मेन काम लेजिस्लेटिव असेंबली का है टू गिव द ओपिनियन सजेशन एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटिव मिनिस्टर्स. क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपने क्या किया और इसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या आंसर है, और रिलेटिव जो मिनिस्टर होता है वो आंसर्स भी देता है, ठीक है. तो ये तो हो गया उनका एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना और आप क्या कर रहे हैं फॉर दिस प्रॉब्लम. एंड गवर्नमेंट वर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू द लेजिस्लेचर, खाली लेजिस्लेचर वहीं बैठ के लॉ बनाना और डिस्कशन करना इज़ नॉट द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. क्या करती हैं, आफ्टर द डिस्कशन प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है जस्ट टू क्लियर द पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमने क्या क्या किया है वो भी एक बार प्रेस को बता दे ताकि वो पब्लिश हो और लोगों को पता चले द वॉट द गवर्नमेंट इज डूइंग, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कैसे लॉज बना रही है. एंड द चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स विजिट द अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे जाके उसका विजिट करते हैं. एंड दे ऑल्सो विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड गेव देम कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है. और गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी कि ये किसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसका क्या सोल्यूशन है,
ठीक है, एंड समटाइम्स दे टेक द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एंड अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खराब हो जाती है, कंट्रोल में नहीं आ रही, देन दे मेक द लॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन दिस वे वी कंप्लीट द चैप्टर। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।